हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे लेट्रोजोल टेबलेट के बारे में। दोस्तों, जो लेट्रोजोल टेबलेट होता है, क्या ये प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल कर सकती है? जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, कई बार होता है महिलाओं का जो प्रेगनेंसी ठीक नहीं होती, जैसे कि दोस्तों महिलाओं का अगर पीरियड भी ठीक से आता है, उनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं यानी कि हस्बैंड जो होते हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, महिला में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी अब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती, तो कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लेट्रोजोल टेबलेट क्या प्रेगनेंसी को ठीक कर सकती है, प्रेग्नेंट महिला को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करेगी ये टेबलेट, और इसके अलावा कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जो लेट्रोजोल टेबलेट होता है ये एक स्ट्रिप में आती है, जो कि लेट्रोजोल जो होता है ये साल्ट है, कंपोजिशन है, जो एक स्ट्रिप में दोस्तों 5 गोली होती है, 5 टेबलेट होते हैं, गोली होती है, जो कि दोस्तों 200 रुपए के आसपास आपको मिल जाती है एमआरपी में। इसके ब्रांड नेम के बारे में बात करें दोस्तों, तो लेट्रोज के नाम से मार्केट में मिलती है। याद रहे दोस्तों, इसका उपयोग अपने डॉक्टर के अंडर में ही, सुपरविजन में ही ले, और दोस्तों गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही इसका उपयोग करें। लेट्रोजोल टेबलेट जो होता है 2.5 mg में मार्केट में मिलती है, जिसका उपयोग दोस्तों फीमेल इनफर्टिलिटी में किया जाता है, यानी कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं जो महिलाएं, उन लोगों में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों महिलाओं में क्या होता है दोस्तों, इसके उपयोग से क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं और महिला प्रेग्नेंट भी हो जाती है इस टेबलेट को लेने से। ओके दोस्तों, ये डॉक्टर द्वारा एक प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है उस कंडीशन में। दोस्तों महिलाओं में क्या होता है, कई बार पीरियड भी रेगुलर होता है, ओव्यूलेशन यानी कि अंडे भी बनते हैं ठीक से, बट दोस्तों फिर भी कई प्रॉब्लम होती, तो उस कंडीशन में लेट्रोजोल टेबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके लेने से दोस्तों क्या होता है, महिला का पीरियड भी ठीक होता है ओव्यूलेशन के साथ साथ। दोस्तों ओव्यूलेशन के साथ साथ क्या होता है, अंडा जो ओवरी में फंसा होता है, जो महिला के ओवरी में अंडाशय में अंडा जो फंसा उसको रिलीज करने में मदद करता है, स्टिमुलेट करता है कि भाई अंडा ओवरी से बाहर निकले। जब अंडा ओवरी से बाहर निकलेगा तभी तो भाई प्रेगनेंसी के चांस बढ़ेंगे महिलाओं में। उसके साथ ही साथ दोस्तों अंडे की क्वालिटी को मेंटेन करता है, बेस्ट क्वालिटी देता है अंडे को, और उसके साथ अंडा जो होता है इमेच्योर होता है उसको मेच्योर करने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों जो अंडा जब मेच्योर होता है तो वो रिलीज होके हुए फैलोपियन ट्यूब में आता है, जहां से फीमेल मेल का क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो वहां जाके क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होके दोस्तों क्या होता है, महिला के गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में आता है, जहां बच्चा बनता है। तो उस कंडीशन में ये ऐसे हेल्प करता है, इसको लेने से प्रेगनेंसी के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, और इसका उपयोग दोस्तों क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर में भी किया जाता है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर को बचाने में, रोकने में काफी हेल्प किया जाता है। ये एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो कि दोस्तों महिलाओं के जब ब्रेस्ट कैंसर के क्या होते हैं, स्तन से जो होते हैं, निप्पल से क्या होते हैं, ब्लडी डिस्चार्ज होने लगते हैं, ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों लंप हो जाते हैं यानी कि गांठ भी पड़ जाते हैं ब्रेस्ट में, तो उस कंडीशन में भी ये ब्रेस्ट कैंसर तो कैंसर से ही भी बचाता है। ओके दोस्तों, ये इसको उपयोग होते हैं। दोस्तों अब बात करें दोस्तों इसके डोज के बारे में, कैसे लेना है दोस्तों, तो इसका उपयोग दोस्तों एक टेबलेट मंथली, एक महीने में आपको 5 टेबलेट लेना है, एक स्ट्रीम में 5 टेबलेट होते हैं। तो जैसे दोस्तों महिला का जो पीरियड होता है, जैसे महिला का पीरियड जो है आ जाया, तो इसके 3 दिन बाद यानी कि अगर दोस्तों 3 तारीख को महिला का पीरियड आया, तो इसके 3 यानी कि 3 4 5 ठीक है, 6 को यानी कि 6 तारीख से लेना, इसको स्टार्ट करना है, कम से कम 5 तारीख तक, मतलब 5 दिन तक एक एक टेबलेट लेना है, दिन में एक बार एक टेबलेट लेना है। इस तरह से महिला जब लेती है दोस्तों, तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांस बढ़ सकते हैं। 9 से 20 दिन तक दोस्तों अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में रहना है, और दोस्तों अगर कई महिलाओं में नहीं अगर प्रेगनेंसी होती है, कंसीव हो जाती है, तो चांस क्या होता है, इसको लेने के जो तरीका होता है बढ़ा दिया जाता है ड्यूरेशन को, 1 से 2 या 3 मंथ तक भी दे सकते हैं। मंथली दोस्तों 5 टेबलेट दिया जाता है। ओके दोस्तों, ये रहे इसके उपयोग और ये रहे इसके डोज लेने का सही तरीका। अब दोस्तों बात करें इसकी सावधानी के बारे में, तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती है यानी बच्चे को दूध पिलाती है, उन लोगों को अवॉइड करना बिल्कुल नहीं देना है। ओके दोस्तों, साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो महिलाओं में क्या होता है, पसीना हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट की वजह से थकान भी हो सकती है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बॉडी में बढ़ सकता है। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने बात की लेट्रोजोल टेबलेट के बारे में। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।